राम राम भैया, राम राम भैया, कई नाम आपको? सावरा चौहान, कशा गाँव थी? जावी से। ये गिलोई आप लेके आए? क्या भाव बिकी है? देख पा रहे 2900 रुपये क्विंटल बिकी है। भैया लेके आए सूखा माल, एकदम बढ़िया माल है, तो 2900 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है। ये भैया ने इकट्ठी करी है और सूखा कर लाए भैया। और क्या लेके आए भैया? पापड़े क्या भाव बिके? 6 रुपये प्रति क्विंटल बिके हैं। अच्छा, बाबूजी का है? बाबूजी राम राम। बाबूजी मनोहरलाल जैन, कैसा गाँव थी? रखोदिया। ये क्या भाव बिकी? 6 रुपये। ये 6 रुपये बिकी है और पास में 640 रुपये बिकी है। बबुल की फलियाँ हैं, कितने कुंटल होगी? लगभग 10-15 कुंटल होगी। ये 606 रुपये बिकी है और पास में ही 640 रुपये प्रति कुंटल बिकी है। देख पा रहे होंगे आप, सूखा माल एकदम बढ़िया माल है। राम राम भाई साहब। कई नाम भाई साहब? नारायण। नारायण सिंह, कैसा गाँव थी? नेवाड़। कहीं लेना आया? गुड़वेल। आप ही लेना है? सूखा माल एकदम सही भाव क्यों? 3000। देख पा रहे होंगे भैया, गुड़वेल लेके आए हैं, सूखा माल एकदम बढ़िया माल है और 3000 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। देखा होगा आपने, ये सूखा माल एकदम बढ़िया माल है, 3000 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। 4-5 बोरी इनकी है। कितने किलो होगा लगभग? ये कितने किलो होगा? 3 क्विंटल। 3 क्विंटल है ये। 30 रुपये किलो के हिसाब से बिकी है। सूखा एकदम भट्टे करके लाया भैया। अच्छा, ये आंकड़े फूल आप ही लेके आए क्या? क्या भाव बिके? ये 4000। आंकड़े के फूल 4000 बिके हैं। थोड़ा मॉइस्चर है इसके अंदर, थोड़ा गीला माल भी है और 4000 रुपये प्रति क्विंटल बिके हैं। देख पा रहे होंगे। और ये हिंगोट भी लेके आया भैया। क्या भाव बिके हिंगोट? 1000 रुपये प्रति क्विंटल बिके हैं। 10 रुपये किलो के हिसाब से बिके हैं। हिंगोट बोलते हैं इनको। और देख पा रहे होंगे ये हिंगोट है। और पास में सेमल भी लेके आए। सेमल के फूल क्या भैया? 3000 रुपये प्रति क्विंटल सेमल के फूल बिके हैं। इसको होली का फूल भी बोलते हैं। और ये कंठरी भी लेके आए? 2500 रुपये बिकी है। कंठरी बोलते हैं, कांटेदार। देख पा रहे होंगे आप, कंठरी बोलते हैं। इसके 3 बोरे हैं। देख पा रहे होंगे आप, ये नीम की पत्तियों का लोड दिख रहा है। 2600 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। थोड़ा सा गीला दिख रहा है मेरे को। और इसकी पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ भी हैं। तो लिम्बुली वगैरह सब मिक्स है इसके अंदर, और डालियाँ वगैरह सब मिक्स है। और ये 2600 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। 2600 रुपये किलो के हिसाब से बिका है। एवरेज माल है। 26 इतना बड़ा लोड है ये। देख पा रहे होंगे आप, पा रहे होंगे आप, ये नींबू के जो छिलके हैं 7 या 600 रुपये प्रति क्विंटल बिके हैं। देख पा रहे होंगे आप, ये सब सिकंजी वालों से ले रखा है इन्होंने, भैया इन्होंने। और ये 7 या 600 रुपये के हिसाब से बिका है। सूखा नींबू है ये, बढ़िया क्वालिटी का है। 7 या 600 रुपये बिका है। बाबूजी गिलोई लेके आए हैं, पूरी लेके आ गए। 300 रुपये प्रति कुटली। हाँ, गीली हुई तो गीली है, गीली लेके आ गए बाबूजी। ध्यान रखे आप, गीला माल लेके आए बाबूजी। लेके आए बाबूजी। राम राम। कई नाम आपको? नाम ये बाबूजी 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये प्रति कुंटल गई। 3 रुपये किलो के हिसाब से बिकी है। देख पा रहे होंगे गीला माल लेके आ गए, तो पेड़ से डायरेक्ट तोड़ तोड़ के लिया है। सूखी नहीं बस खाली है। ये देखो गीला माल है, पूरा गीला माल है। तो बाबूजी ध्यान रखिए, अगली बार कटाई करके लाए। पूरी मंडी खाली है, पानी गिरने के कारण अभी थोड़ी मंडी पूरी है, खाली है। माल की आवक भी थोड़ी कम है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा कम है। एक छपरा ही भरा खाली, पास में एक छपरा ही भरा। राम राम दोस्तों, किसानों भाइयों समेत, आपका दोस्त संजय नायक। देख रहा हूँ मैं पीछे मंडी, पूरी मंडी खाली है और पानी गिरा है कल, तो थोड़ा सा आवक भी कम है। तो जितना भी आपका माल है अभी निकाल लो बाहर, क्योंकि फिर पानी चालू हो जाएगा तो मंडी में आवक भी बहुत कम हो जाएगी। तो छपरे में जो भी माल है आपका छपरे में रखें, क्योंकि तो बाहर कभी बारिश का मौसम है, बारिश कभी भी आ सकती है। फिर नीमच मंडी में सुबह शाम किसी टाइम भी पानी गिरता है। देख पा रहे होंगे आप, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अच्छी जानकारी के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।